हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मैथ्स विलेज बाय तरुण पांडे। स्टूडेंट्स, इन दिस वीडियो वी हैव टू डिस्कस टॉपिक इंटरवल्स एज सबसेट्स ऑफ आर। यहां पर आर का मतलब है रियल नंबर से, और इंटरवल्स पर हम डिस्कशन करेंगे। और जो इंटरवल्स हैं वो सबसेट्स ऑफ रियल नंबर होते हैं, पहले हम आपको ये बता दें। और इंटरवल्स कौन कौन से होते हैं इस पर हम चर्चा करेंगे। देखिए, हम यहाँ पर साइड में लिख रहे हैं, राइट में ये हमारे पास, देखिए सबसे पहले हमने आपको एक बिग ब्रैकेट बनाया है, और इस बिग ब्रैकेट को कहते हैं हम लोग क्लोज इंटरवल। इसको हम लोग कहते हैं क्लोज इंटरवल। बहुत ध्यान से सुनिएगा मेरी बातों को, क्लोज इंटरवल। और इसके बाद नेक्स्ट ब्रैकेट है, इस तरीके का ब्रैकेट बनाते हैं, इसे बोलते हैं हम लोग ओपन इंटरवल। इसका नाम है ओपन इंटरवल। ओपन इंटरवल को कई लोग ऐसे भी डिनोट करते हैं इस तरीके से, दोनों बातें एक ही हैं। ये भी ओपन इंटरवल है और ये भी ओपन इंटरवल है। इसे भी ओपन इंटरवल कहेंगे, इसे भी ओपन इंटरवल कहेंगे। उसके बाद कुछ अदर नेम है, जैसे मेरे पास देखिए यहाँ पर आपको दिख रहा होगा, ये एक तरफ से खुला है और एक तरफ से बंद है और एक तरफ से खुला है। तो आधा खुला है और आधा बंद है, तो इसको हम कहेंगे सेमी क्लोज्ड, यानी पहले बंद है ना, तो सेमी क्लोज्ड है। और उसके बाद सेमी क्लोज्ड, सेमी ओपन, ठीक है, सेमी क्लोज, सेमी ओपन। तो यहाँ से क्लोज है और यहाँ से ओपन है। उसका एक अनदर ब्रैकेट आप समझ गए होंगे, इसका नाम देंगे आप सेमी ओपन, सेमी ओपन, सेमी क्लोज, सेमी क्लोज। अब आइए कैसे ब्रैकेट का इस्तेमाल करते हैं, क्या मतलब होता है इसका। देखिए, हम अगर लेट कर ले यहाँ पर कि ए बी से छोटा है, ये दोनों रियल नंबर हैं, ए और बी बोथ आर रियल नंबर, और हम यहाँ कह दें कि ए बी से छोटा है। तो अगर ए बी से छोटा और ए और बी दोनों रियल नंबर हैं, तो इनका ब्रैकेट में कैसे इस्तेमाल करते हैं। जैसे हमने कहीं पर लिखा क्लोज इंटरवल ए कॉमा बी, क्लोज इंटरवल ए कॉमा बी, और कोई एलिमेंट हमने कहा एक्स है इस क्लोज इंटरवल ए कॉमा बी को बिलोंग कर रहा है। तो इसका मतलब यहाँ पर ये हुआ कि जो एक्स की वैल्यू होगी वो ए से लेकर बी तक कहीं भी हो सकती है। इसका सेंस ये हुआ कि एक्स की वैल्यू ए भी हो सकती है, बी भी हो सकती है, और ए और बी के बीच में कहीं भी हो सकती है, ए हो सकती है और बी हो सकती है। इसका मतलब ये है क्लोज इंटरवल, यानी ए और बी यहाँ पर इंक्लूडेड है, यहाँ पर ए और बी ये दोनों वैल्यू यहाँ पर इंक्लूडेड है, इसका सेंस ये हुआ। इसको अगर हम नंबर लाइन में समझाना चाहें तो इस तरीके से कह सकते हैं कि यहाँ पर ए है और यहाँ पर बी है। तो हम यहाँ पर आपको बता सकते हैं कि हमारी वैल्यू जो है एक्स की, वो ए भी हो सकती है, बी भी हो सकती है, और ए से बी तक कहीं भी हो सकती है। क्लियर है कि नहीं? इसका मतलब होता है ये क्लोज इंटरवल है। और ये सबसेट ऑफ, यहाँ पे क्यों है एक हेडिंग पड़ी है इंटरवल एज सबसेट ऑफ रियल, क्योंकि जितने भी इंटरवल्स होते हैं वो रियल नंबर के सबसेट होते हैं, क्योंकि रियल नंबर तो हमारा माइनस इन्फिनिट से प्लस इन्फिनिट तक होता है, ये हमारा रियल नंबर है। और ये सब क्या है, सबसेट ही तो है रियल नंबर के भाई। रियल नंबर तो हमारा माइनस इन्फिनिट से लेकर प्लस इन्फिनिट तक चला आ रहा है। तो ये जो है आपका यहाँ से यहाँ तक का वैल्यू, ये तो हमारा एक तरीके से सबसेट ही तो हुआ। तो रियल नंबर का जो सेट होता है वो सुपर सेट ऑफ ऑल द इंटरवल्स होता है, ये भी कह सकते हैं। एक अनदर हम बात करें अनदर ब्रैकेट की, इसे बोलेंगे हम लोग ओपन इंटरवल। जैसे हमने कहा यहाँ पर एक्स बिलोंग्स टू ए कॉमा बी, इसका सेंस ये होता है कि एक्स की वैल्यू ए और बी के बीच में है, ए और बी यहाँ पर इंक्लूडेड नहीं होते हैं, यानी एक्सक्लूडेड हैं, यहाँ पर ए और बी शामिल नहीं किए जाएंगे। इसका मतलब एक्स की वैल्यू ए और बी के बीच में होगी। ओपन इंटरवल में ए और बी को इंक्लूड नहीं किया जाता है, इस बात को बहुत ध्यान सुनिएगा। यहाँ पर अगर ए लिखेंगे, यहाँ पर अगर हम बी लिखेंगे, तो हम कह सकते हैं कि एक्स की वैल्यू ए नहीं होगी, बी नहीं होगी, बट उनके बीच में कहीं भी हो सकती है। इसी तरीके से अगर हम बात करें इंटरवल में, अगर हम कहा एक्स बिलोंग्स टू सेमी क्लोज्ड, सेमी ओपन, इसका सेंस आप समझ गए होंगे दोस्त कि एक्स की वैल्यू ए हो सकती है और ए से बड़ी हो सकती है, बट बी नहीं, बी से छोटी रहेगी हमेशा। इसको आप हम इस तरीके से समझा सकते हैं कि जैसे हमने कहा ये ए है और ये बी है, हम यहाँ पर कह सकते हैं कि जो हमारी वैल्यू है वो ए हो सकती है, देखिए ध्यान से, और ए से बड़ी हो सकती है, बट बी नहीं, बी से छोटी रहेगी। इसी तरीके से चौथा ब्रैकेट आप अच्छे तरीके से समझ रहे होंगे, चौथा ब्रैकेट यहाँ पर ये है, इसका सेंस यहाँ पर ये होगा कि ए एक्सक्लूडेड है और बी इंक्लूडेड है, यहाँ पर ए ओपन है और बी क्लोज्ड है। इसको अगर हम नंबर लाइन में रिप्रेजेंट करें, दिस इज ए, दिस इज बी,
और यहाँ पर हम ये कह सकते हैं कि यहाँ पर ए एक्स जीरो ए नहीं है, ए से बड़ी है और बी तक है। ओके स्टूडेंट्स, ये था हमारा इंटरवल्स एज सबसेट ऑफ आर, इसकी हेडिंग थी। और इसमें इंटरवल्स के बारे में हमने आपको जानकारी दी कि क्या ओपन इंटरवल होता है, क्या क्लोज इंटरवल होता है, और बेसिकली रियल नंबर को देखने के लिए इंटरवल की जरूरत पड़ती है। जैसे हमने कहा ना कि हमने कहा कि अगर एक्स मेरा रियल नंबर है और हमने कहा एक्स की वैल्यू 2 से 3 के बीच में है, तो 2 और 3 के बीच में इसको अगर हम ब्रैकेट में लिखें तो इंटरवल्स का ही यूज करेंगे। बाकी नंबर लाइन में तो हम बता सकते हैं कि 2 और 3 के बीच में, तो आप 2 लिखिए 3 लिखिए, 2 और 3 एक्सक्लूडेड है, यहाँ पर देख लीजिए साफ साफ लिखा हुआ है, तो एक्स की वैल्यू 2 और 3 के बीच में है। लेकिन इसी बात को अगर इंटरवल लिखना हो तो हम ऐसे लिखेंगे ये। तो इंटरवल का यूज बेसिकली रियल नंबर को लिखने के लिए काम आता है। जैसे हमने कहा एक्स इज ग्रेटर देन 0 आर इक्वल टू 0 एंड लेस देन 5। अब इस बात को हम लोग कैसे लिखेंगे इस रियल नंबर को इंटरवल में, ऐसे लिखेंगे एक्स बिलोंग्स टू क्लोज 0 5 ओपन, ठीक है। लेकिन बस ये ध्यान रखना है यहाँ पर एक्स रियल नंबर होना चाहिए। मान लीजिए इसी में हम कह दें कि एक्स हमारा रियल नंबर की जगह हम कह दें एक्स मेरा नेचुरल नंबर है, तब तो हम इसको कर्ली ब्रैकेट में लिखेंगे। भाई 0 से 0 और 0 से बड़ा और 5 छोटा नेचुरल नंबर क्या होता है, 1 2 3 4, करेक्ट है। तो अगर नेचुरल नंबर होगा तो ये होगा और अगर रियल नंबर होगा तो ये होगा। इस केस में एक्स हमारा क्या है, रियल नंबर है, और इस केस में एक्स क्या हमारा नेचुरल नंबर है, क्लियर है कि नहीं। तो बेसिकली रियल नंबर को लिखने के लिए हम यहाँ पर इंटरवल्स का इस्तेमाल करते हैं। फिर मुलाकात होगी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक आप जुड़े रहिए हमसे। थैंक यू।